Hi, I'm Archana Puran Singh and you're watching the Kapil Sharma Show. So subscribe to Set India and hit the bell icon. कई चीजों से रिलैक्स होता है. बीवी मायके चली जाए तो रिलैक्स होता है. अच्छा, कर्जा उतर जाए तो रिलैक्स होता है. या फिर रिलैक्स होता है तब जब उससे मनपसंद म्यूजिक सुनने को मिलता है. आपको पता है म्यूजिक की हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा अहमियत है. स्पेशली अगर आप गौर से देखें ना, बड़ी सारी चीजें होती हैं. जैसे इंस्ट्रूमेंट्स ले लो आप, इनका लिबास देख लो, जो जैसे गिटार जो बजाते हैं, ये जीन्स, लेदर जैकेट और ये वो ऑर्नामेंट्स, लगता है इनको देख के कुछ इंग्लिश सब बजाएंगे और बजाते भी हैं. और हारमोनियम वाले जो होते हैं वो सिर्फ कुर्ता पहनते हैं ज्यादातर, नीचे धोती या पजामा कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हारमोनियम के पीछे कौन सा नजर आने वाला, क्या पहना उन्होंने. अच्छा, तबले वालों की एक खासियत होती है, जैसे अगर आप कुछ बजा रहे हैं, तबला बजा रहे हो, सामने वाला कोई दाद दे रहा है ना, तो उसी की आंखों में डाल के आंखें बजाने लगते हैं. फिर इतने मगन हो जाते हैं, बाकी सारे साजिंदे अलग रह जाते हैं, ये अकेला आगे निकल जाता है. फिर जो वायलिन वाला होता है ना, वो अपनी डंडी चुभता है कि कमीने, मैं भी तेरे साथ हूँ, हमारे साथ बजा. अच्छा, जो इंस्ट्रूमेंट आदमी बजाता है ना, उसकी धीरे धीरे शक्ल वैसी होने लगती है. आप देखना, कभी जो फ्लूट बजाते हैं ना, बांसुरी बजाते हैं, सीरियसली जो लोग बांसुरी बजाते हैं ना, उनका मुंह ऐसे हो जाता है सुबह उठते उठते, और सुनाए जनाब. तो उनकी बीवियां थोड़ी कंफ्यूज रहती हैं कि मियाँ जी पप्पी लेने के लिए ऐसा कर रहे हैं कि वैसे हवा निकाल रहे हैं. और सुनाइए कैसे. अच्छा, वायलिन वाले को देखना आप, जिस तरफ उसकी डंडी जाती है ना, उसका मुंह भी उस तरफ जाता है. अगर कोई वायलिन इस तरफ बजा रहा है, हाँ, बहुत अच्छा, ब्यूटीफुल. और जैसे जैसे बारीक होती है उनकी, वो उनका मुंह वैसे बनता जाता है. जो आदमी जैसा इंस्ट्रूमेंट बजाता है उसके वैसे प्रोग्राम होते हैं. अगर कोई गिटारिस्ट है तो उसके बच्चे को पूछे पापा कह गए, पापा कौन से. अच्छा, लिरिक्स देख लो आप, जब कभी गाने के लिरिक्स देखो ना, कुछ भी लिख देते हैं और वेट भी कर रहे होते हैं. भी चंदा को काम नहीं है, तू तो फ्री है, नीचे बैठा चंदा को आवाज दे दी, सोचो बैठेंगे बातें करेंगे. जैसे चंदा बड़ा मुंबई में पैदा हुआ, हिंदी समझता है. अच्छा, ये इन्होंने लखन लेके आना था, इसलिए 1 2 का 4 4 2 का 1 किया. अगर तो अगर हीरो का सरनेम बत्रा होता तो ये उसमें भी ढूंढ लेते. अच्छा, मुझे एक चीज बड़ी हैरान करती है, जब भी फिल्मों में हीरो हीरोइन जब गाना गाते हैं कोई भी, अच्छा उनके स्टेप्स कैसे मैच करते हैं, बिकॉज एकदम से गाना शुरू हो जाता है ना. अभी गांव में कोई गाना गा रहा है आदमी, पता नहीं, साइंस है. शब्दों की बहुत अहमियत होती है गाने में, म्यूजिक में. जैसे मैं बोलता हूँ कि अगर दिल, आंखें, इन पे बड़े गाने बने, मैं कहना अगर दिल की जगह दिल का नाम ही कच्चा होता तो फिल्मों के नाम कैसे होते हैं. हम कच्चा दे चुके सनम, हम आपके कच्चे में रहते हैं, कच्चे वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, आपका कच्चा हमारे पास है. एक फिल्म आई थी बड़े दिल वाला, उसकी जगह क्या आता, बड़े कच्चे वाला. फिर डायलॉग कैसे बदल जाते, मोहतरमा किस किस को कच्चा दूं, प्यार करूं था सर वो. डायलॉग कैसे बदल जाते, आपने एक ही नजर में मेरा कच्चा चुरा लिया. फिर लोग समझाते कैसे एक दूसरे को, देखो ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, तुम अपना कच्चा छोटा मत करो. लोग नसीहत कैसे देते, देखो जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन कोई भी बात कच्चे पे नहीं लेनी चाहिए. ये सब तो होता रहता है. हॉस्पिटल से फोन आता, हेलो मिस्टर राजीव, आपके पिताजी को कच्चे का दौरा पड़ा, फटाफट आइए. कोई आदमी लड़ पड़ता, उसको समझाते कैसे, देखो उसकी बातों का बुरा मत मानो, मुंह का भले कड़वा हो लेकिन आदमी कच्चे का बुरा नहीं है. कच्चे में कोई भी बात हो बता देनी चाहिए, कोई बात कच्चे में रखनी नहीं चाहिए. फिर एग्जाम्पल्स कैसे होते, बड़े बुजुर्ग सलाह देते ना, देखो बेटा आप इंसान की पहचान उसके पैसे तो नहीं, उसके कच्चे से होती है. आज थोड़ा म्यूजिकल नाइट है हमारी, आज हमारे जो गेस्ट आ रहे हैं वो भी ऐसे ही हैं. मैं आप सब दोस्तों से पूछना चाहता हूँ, आप लोगों में से बहुत लोगों को लगता होगा कि हम बड़ा अच्छा गाते हैं लेकिन हमें कभी मौका नहीं मिला. तो हमारा मंच ऐसा है, आपको अगर लगता है कि आप बहुत अच्छा गा सकते हैं तो आप अपनी एक झलक पेश कर सकते हैं. जी, कोई है मेरे दोस्त ऐसे. जी भाई साहब, आप कहाँ से आए? हरियाणा, सोनीपत डिस्ट्रिक्ट. जी सर, क्या नाम है आपका? नरेश निजामन. तो नरेश जी, क्या सुनाना चाहते हैं आप? कुछ सुनाना चाहता हूँ पर आज तक मौका नहीं मिला. आज मौका मिलता है सर, आपको सुनाइए. आप जो आपका दिल करता है, मुंबई घूमने आए कि? मैं स्पेशल आपका शो देखने आया हूँ. हाउ स्वीट, थैंक यू सो मच. तो आप बाई एयर आए हैं, बाई रोड आए हैं, बाई ट्रेन आए हैं? बाई एयर आया हूँ. बाई एयर आए हैं, हाँ जी. ये गाने के लिए आए हैं. पर यार बड़ी मुझे हरियाणवी लैंग्वेज बड़ी अच्छी लगती है यार, बड़ी क्यूट आप लोग बोलते हो, बड़ा मजेदार एक्सेंट होता है.
खड़ी बोली होती है ना सर, इसलिए खड़ी बोली होती है। खड़ी बोली मतलब बाकी बोलियां बैठी होती। ऐसा ऐसा हम प्यार से ही बोलते हैं, ऐसा लगता है लड़ाई कर रहे हैं हम। टाइम पूछ ले उसको भी चढ़ जाते हैं। हाँ भाई साहब टाइम क्या हुआ है? के बात आग फूट रही है तेरी, देख नहीं सकता। पर बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, शुक्रिया। थैंक यू। मेरा आज गाने बजाने का बड़ा मूड है। आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि मुझे अभी पता चला कि ये जो हमारी लॉटरी है ना, इसको गाने बजाने का बड़ा शौक है। मुझे पहले पता ही नहीं था, नहीं तो मैं पहले अपना नाम कुमार सोनू निगम नारायण सब कुछ रख लेता। पर आज शर्मा जी अपनी गायकी के ऐसे तोहफे पेश कराएंगे कि लॉटरी देखना अगर मेरे बस में ना आए तो फिर कहना। अभी मैं गाता हूँ। तू क्यों आई? मैंने किसी और के लिए गाना गाया था। मुंह का टेस्ट मैंने पनीर वाला बना रहा, दो दिन की बासी कड़ी आ गई। अच्छा यार कहाँ थे तू? हाँ तो इसी कड़ी से कड़ी जोड़ लो कप्पू, पर ये कड़ी चावल एकदम हिट जोड़ी हो जाएगी। कड़ी से कड़ी जोड़ लेगी। काश मुगल जिंदा होते ना तो मैं कड़ी से कड़ी सजा दिलवाता इसको। अरे गाना मैंने लॉटरी के लिए गाया था, तुम्हारे लिए नहीं गाया था मैंने। सब पर तुम्हारा ध्यान रहता है, सिर्फ मुझ पर ध्यान क्यों नहीं रहता? जब ऊपर वाले का ध्यान नहीं था तुम्हें बनाते वक्त, तो मैं क्यों रखूं ध्यान देता? फालतू में मूड खराब कर रही है आगे। बाहर मौसम कितना अच्छा है कप्पू, चलो ना पकोड़े खाने जाते हैं। समोसा पकोड़े खाता हुआ अच्छा लगेगा। अब मैं समोसा हूँ। देख क्रेडिट इसको लेना ही लेना है, मैंने अपने आप को कहा समोसा, तुझे तो कहा ही नहीं मैंने। अच्छा देखो ऐसी बातें मत करो, मैं किसी दिन दूर चली जाओगी ना तब तुम मुझे याद करोगे। और तुझे हुआ क्या आज इतना, तू ज्यादा क्यों मतलब उछल उछल के? वो क्या है ना, मैं जब भी शादी की घोड़ी को देखती हूँ ना तब मुझे कुछ कुछ होता है। ऐसे होता है जब आप कभी अपने से मिलती जुलती शक्ल देखो ना, मुझे पता है। दुनिया में ना एक जैसी शक्ल वाले 7 लोग होते हैं और घोड़ी में तो 20 लोगों की शक्ल मिलती है आपस में। उसमें उससे टेंशन लेना, तू देख के भूल जाया कर तू। लेकिन तुम्हारे जैसा कोई नहीं है ना कप्पू, इसीलिए। और मैं चाहती हूँ कि किसी दिन मेरी बहनें भी तुम्हारी जूती चुराए। ये 6 लड़कियों का गिरोह है, ये जूते चुराती हैं, पर्स अंगूठियां ज्वेलर्स के जहाँ गहने देखने जाती चुरा के भागती हैं। तुम लोग पकड़ी जाओगे देखना किस दिन। मेरी फैमिली के बारे में ऐसा मत बोलो, हम लोग खानदानी अमीर हैं। बहुत खानदानी अमीर हैं। आपको पता है इनके पिताजी रोज मेरे पास खाली टूथब्रश लेके आते, कहते पेस्ट डाल दे इसमें। मैंने कहा आपको शर्म नहीं आती, आप टूथपेस्ट मांगने आए हैं? ऊपर से मेरे कहते मैंने कौन सा घर लेके जानी है, इधर करके इधर थूक देना। जाओ यार मेरा दिमाग ही खराब कर दिया। मजाक मत करो, जिस दिन मेरी जिंदगी में लड़का आ जाएगा ना उस दिन सबसे ज्यादा तुम पछताओगे। वो पछताएगा जो तुम्हारी लाइफ में आएगा, मैं क्यों पछताऊंगा? पता कप्पू मैं हाथ भी देख लेती हूँ। अच्छा ए, बस स्टैंड के पास जो आदमी बैठता तोता लेके, तू ही मुझे लगा के तोता बन के बैठती ना उधर। हाथ दिखा अपना। ऐसे नहीं होता, ऐसे होता है। अच्छा तुम्हारी जीवन पार्टनर जो होगी ना उसका नाम स से शुरू होगा। सुश्री दीपिका पादुकोण। नहीं बुद्धू, स से सल्ला। कहाँ से आ गया, मेरा मूड खराब कर दिया। मैं तो लॉटरी के लिए वेट कर रहा था उसको इंप्रेस कर लिया, थोड़ा गाना गाना गला साफ करूं। इतनी रोब डाल के भीख मांग रहे हैं। अरे भीख मांगनी मिन्नते करनी पड़ती हैं लोगों की, ये क्या कर रहे हैं आप? दबके मार रहे हैं आप, लोगों को डरा रहे हो आप। हेलो, ये गॉगल लगा के भीख कौन मांगता है भाई? फॉरेन कंट्री जाके देखो सारे भीख ऐसे मांगते हैं। भाई साहब आप जेंटलमैन लग रहे हैं, आप मेरी बेटी का ख्याल रख लेंगे? हैं? नहीं वो क्यों रखेंगे भी? नहीं मैंने तुम्हें मार के फांसी चढ़ जाना है ना, कोई तो चाहिए मुझे ख्याल रखने के लिए बेटी का। और डॉक्टर साहब ये क्या हाल बनाया, क्या हुआ आपने, बने क्या हुए आप? मैं बनता तो डॉक्टर हूँ भाई, वैसे आई एम रॉक स्टार। मतलब आप रॉक स्टार हैं? हाँ जी हाँ जी, रॉक स्टार है। या आई एम क्लासिकल सिंगर, इंडियन क्लासिकल सिंगर। बट कड़ी पकौड़े तू कहाँ से? कड़ी पकौड़े। और मैं कवाली गा रहा था। हैं? हाँ जी बिल्कुल, कवाली गा रहे थे। हाँ जी बिल्कुल, मैंने लॉटरी को इम्प्रेस करना है ना। और मैंने तुम्हारा ना मुंह तोड़ देना। रहने दो, फिर मोहल्ले में एक जैसे मुंह वाले 2 लोग हो जाएंगे। तो सिद्धू पाजी आज मैंने ऐसा गाना गाना है कि लॉटरी देखना मुझे से इम्प्रेस होगी। मैंने कहा था ना मैंने इम्प्रेस कर लेना है। खबर रखिए,
मोहल्ले या शांतिवन में इस तरह की गुस्ताखी को हरगिज बर्दाश्त नहीं किया। वाह 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 वाह। भाई बधाई हो, मोहल्ले में उर्दू हुई है। और नाम मैं रखूंगा इसका। और इसके मुंह पे जूता मैं रखूंगा। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। जूते पे जूता रखोगे उसकी तो जोड़ी बन जाएगी। क्या गुफ्तगू कर रहे हैं आप लोग? देखो जी, गुफ्तगू तो मैं कर रहा हूँ, बाकी का काम ये कर रहे हैं। और आप लोग क्या बने हुए आज? मैं कुछ बना नहीं हुआ, मैं हूँ। आई एम ए रॉक स्टार, सड़ा के थे रॉक। और मैं हूँ, इधर हो जाइए डॉक्टर साहब, मेरी बारी है। और मैं हूँ कवाल। हाय, आई एम अ प्लेबैक सिंगर, विल यू मैरी मी? हेलो, मेरे मैं ये कोई गाना नहीं है। गाना नहीं, फीलिंग तो है ना, हर बात गाना ही होती है। सुनो, मुझे म्यूजिक पसंद है लेकिन ये सब नहीं, मुझे घसलों के शौक है। हाँ, और आज रात मेरी फेवरेट सिंगर राहत फतेह अली खान साहब का परफॉर्मेंस है और मेरे साथ दो टिकट है। देखो मेरी बात सुनो। अच्छा लेफ्ट में तुम, मैं बैठ जाऊंगा। हाँ, उसको साथ लेना जाना, ले जाना चाहती हूँ जिसको उर्दू आती है। तो? हाँ, तो मुझे नहीं आती है ना, तो ही कैन एक्सप्लेन टू मी। लेकिन आप लोग को बिल्कुल उर्दू नहीं आती है। अरे किसने कहा हमें उर्दू नहीं आती? आपकी नोजो नजर में गुलफात करोगे, उर्दू करेंगे आप समझ भी नहीं पाएंगे हमने क्या गुफ्तगू करी है। उसने ना जो चश्मे बहता रहा, मैं जो हिंदुस्तान ने तो खसूसी है मुगल आजम मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर, क्या नहीं आती उर्दू? ये आपने कैसी उर्दू बोली? आपकी तो उर्दू गलत है। क्या गलत है? उर्दू उर्दू बस कर, उर्दू होता उर्दू। देखो जी, मेरी बात सुनो, मैंने आपके लिए ऊपर वाले की रहमत से अपने शाही पतीले में शाही चाय भी बनाई है। पत्तिये आसाम को लेकर शक्करे नागपुर को मिलाकर मैंने बीच में दूधम दूध डालकर चाय उबल गई। यार अब बीच में जरूर बोलना था। मेरे को गैस हो गई तेरी उर्दू सुन के, बकवास कर रहा है। आई एम ए उर्दू चैंपियन। अच्छा, जिला जलालू जलालुद्दीन उस्मानिस्तान उज्बेकिस्तान कमालिस्तान फिल्मिस्तान अजरुद्दीन नवाजुद्दीन एंड ऑल। अच्छा, बात चाहूँगा। आप लोग क्या उर्दू बात कर रहे हैं? ये क्या है? उर्दू तो ना राहत साहब बात करते हैं। माशाल्लाह, उसका लहजा क्या है? उनका लहजा, लहजा मालूम नहीं है लहजा का मतलब? मेरे को पता है लहजा क्या होता है, जब हैजा उर्दू में हो जाता तो उसको लहजा कहते हैं। और ये नहीं होता डॉक्टर साहब, लहजा वो होता है जब चाय बन जाती है ना, तो कहते हैं लहजा चाय, लहजा 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 वो होती है। लहजा वो नहीं होता, लहजा वो होता जो लड़कियां चोली के साथ नहीं पहनती, वो ऐसे घूमते गोल गोल, उसको लहजा नहीं, उसको लहंगा कहते हैं। मैं तेरी चाय में घुसा? नहीं, तू मेरे लहंगे में क्यों घुस रहा बे? ओफ यार, आप लोगों को कुछ नहीं आती है, भाड़ में जाओ तुम लोग। मैंने जाके तीन के पेशेंट को चेक करता हूँ जाके। मैं भी चेक करूँ यार, मेरी भी चाय की दुकान है, हद हो गई, यही काम करते रहना। अच्छा पाजी, लॉटरी फैन निकली भी तो किनकी? अच्छा, राहत फतेह अली खान की। वाह, ठीक ठाक सिंगर का नाम लेती मैं शायद ट्राई कर भी लेता। राहत फतेह अली खान की आवाज कैसे निकालें पाजी, बहुत मुश्किल है। ट्राई करता हूँ, लेकिन करो। लेकिन उनके लिए साथ में और भी खान साहब बंदे चाहिए, हमने खास तौर पर बुलाए हैं। खान साहब आइए जरा हारमोनियम पे, क्या और हमारे दोस्त एक ढोलक पे। क्या बात है हमारा, क्या बात। ओके, सो आई विल ट्राई माय बेस्ट। और एक ये भी बैठे हैं ना, है ये सर, ये सब धुरंधर लोग हैं हमारे महारथी, इन सबके लिए एक बार जोरदार तालियां। खान साहब एक ऐसे ही कोई भी सुर दो अपनी मर्जी, एक बार जोरदार तालियां मिस्टर राहत फतेह अली खान साहब के लिए। बाजी आइए जरा, धन्य करो हमारी सोफे को, हमारे को। राहत साहब छा गए हो आप। सर, सर बहुत शुक्रिया। हजारों फनकारों की भीड़ में जिसके नाम की अद्भुत पहचान, हर तरफ बिखरे हैं आपके चाहने वाले, जिसकी मौजूदगी महफिलों की शान है, खुदा की बंदगी है तेरे गीतों में नूर
रहमत का है बरसता, नाज है आवाज की दुनिया पर जिस पे, वो शख्सियत का नाम राहत फतेह अली खान। क्या बात है, बहुत बहुत पाजी। आपको पता है मेरे जो साथी म्यूजिशियंस हैं, ये सब आपके बड़े फैन हैं, और जो कीबोर्ड पे मेरा बचपन का दोस्त है, तो मैंने उसको कहा था, मैंने कहा राहत पाजी आ रहे हैं, तू मत बजाना तो पकड़ा जाएगा। ये मेरे को बोल रहा था, कहता जहां से राहत पाजी गाते हैं मेरे को एक्स्ट्रा कीज लगवा के दो। यही फर्क है कपिल, क्या है कि आज का जो म्यूजिक है ना जी, वो साजों पे चलता है जी, साज डोमिनेट करते हैं, लेकिन ये वो साहब हैं जिनकी आवाज साजों के ऊपर चढ़ के राज करती है। बिल्कुल बाजी, ये है वो बंदा, ये आपका सुनने का फन है बाजी। आजकल ना लोग छोटी छोटी चीज को और छोटा कर देते हैं, फॉर एग्जाम्पल ऐसे सलमान भाई का नाम सल्लू कर दिया, कपिल का कप्पू कर दिया, आपका नाम मतलब राहत फतेह अली खान, मुझे लगा दो तीन लोगों का ग्रुप होगा ये। पाजी आपका आपका कोई छोटा नाम भी है वैसे? आप छोटा नाम घर में क्या बुलाते हैं आपको? प्लीज बता दो। टीपू, टीपू। पर मजा भी ऐसे बोलने में आता कि राहत फतेह अली खान पता लगता है, अभी बोलूं आपके सामने आ रहे हैं टीपू। लोगों को पता नहीं चले। अच्छा राहत साहब के बारे में आप सब जानते हैं, राहत पाजी उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब के परिवार से हैं, तो इनके परिवार में जितने भी लोग हैं सबके सब सुरील हैं। पाजी पाजी एक बात बताओ, जब आपके फैमिली में बच्चे पैदा होते हैं तो मतलब वो रोते हुए पैदा होता है कि लाभ लेके पैदा होते हैं? नहीं सीरियसली, मैं मन में सवाल था तो मैं... अगर मैं आपसे पूछूं जी, आप तो बहुत माशाल्लाह सब दुनिया को हंसा रहे हो जी, तो आपके जब बच्चे होंगे तो क्या वो कॉमेडी करते हो? वो तो नहीं कॉमेडी करते पैदा होंगे, मैं कुछ कॉमेडी करूंगा तो फिर होएंगे। नेले पे देना बड़ा कॉमेडी हैं, नेले पे देना। पाजी मेरी बड़ी इच्छा थी एक्चुअली कभी नुसरत साहब को ऐसे मिल सकूं या कभी उनको सुन ही सकूं, पर हमारी किस्मत में नहीं था, तो इस दुनिया को बहुत जल्दी अलविदा कह के चले गए। लेकिन ये सर हमारा सौभाग्य कि आज आपसे मिलने का मौका मिल रहा है, और हम आपके बहुत मुरीद हैं सर। बहुत बहुत राहत भाई, आपने किस उम्र में गाना शुरू कर दिया था? 6 8 6 छह साल की उम्र में। अच्छा देख लो, छह साल की उम्र में तू तो डायपर पहनता था दिनेश। सीरियसली बच्चे इतनी उम्र में डायपर पहन के घूम रहे होते हैं, नाक बह रही होती है, माए कभी कभी उसी डायपर से नाक पोंछ देती है बच्चे की। छह साल की उम्र में सारे काम फटाफट ही कर रहे हैं आप। 6 साल की उम्र में रियाज शुरू कर दिया, 9 साल की उम्र में परफॉर्मेंस। एक्चुअली 6 साल की उम्र में मुझे शौक पैदा हुआ कि गाना, एक्चुअली मैं जब कोई गाना लगता था लता जी का जी, लाइक उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब का, घर में कोई रिकॉर्ड लगता था तो मुझे समझ तो नहीं आती थी, बट मैं रोने लग जाता था। वो सुर का जो एक असर है वो दिल पे जी, एज ए चाइल्ड मेरे बहुत रहा, तो उसको फिर देखते हुए मेरे अब्बा ने कहा कि आई थिंक ये गाना ही जाता होगा, जो क्या अमीर हो जाने। तो वही अंदर तो था ही, तो फिर आपने इच्छा किसको बताई गाने की? तो खान साहब, बड़े खान साहब, उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब, उन्होंने फिर मुझे बाकायदा सिखाना शुरू किया 8 6 में। तो फिर 3 साल की मेहनत के बाद जो भी वो बच्चे को सिखा सकते थे, फिर राग हमीर मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने अपने दादा की एनिवर्सरी उनकी हुआ करती थी, डेथ एनिवर्सरी जी, और वहाँ पे बहुत सारे उस्ताद सलामत अली खान, नज़ाकत अली खान साहब, बहुत सारे लोग, उस्ताद तारी खान साहब, गुलाम अली खान साहब, मेहंदी हसन खान साहब, ये ऑडियंस भी होते थे और गायक भी होते थे वहाँ पे, एज ए अकीदत के तौर पर वहाँ पे अपना फन पेश करते थे। तो उनमें फिर मैंने राग हमीर गाया, तो इस कॉन्फिडेंस को देखते हुए उन्होंने पता सी ये तोते की तरह इन्हें रटे है। अच्छा, तो तब आपने रटा, लेकिन अब आपका रियाज इतना हो गया, पाजी की उम्र कुछ खास नहीं है, लेकिन इनका गाना सुनते तो ऐसे लगता 80-90 साल हो गए रियाज करते हुए। ये उसी का नतीजा है कि आज पाजी इतनी बुलंद आवाज के मालिक हैं। बहुत शुक्रिया पाजी, आपने बहुत सारे रोमांटिक गाने गाए बॉलीवुड में, आपके गाने जो इतने पॉपुलर हैं, कभी ऐसा हुआ कि कभी आप लाइव शो में गा रहे हो और सामने कोई मोहतरमा बैठी हो तो किसी ने सीरियसली ले लिया हो कि शायद मेरे को देख के गा रहे राहत, और मैं सीरियस हो गई हूँ, बैक स्टेज आके कभी मिली राहत? मुझे इतने मतलब अजीब कमेंट्स मिलते हैं कि आई लव योर वॉइस बस ऐसे।
अच्छा राहत पाजी जब गाते हैं ना तो लगता है कि बड़ा इजी होगा गाना, हालांकि वो इनके लिए इजी होता है क्योंकि इतना मुस्कुरा के गाते हैं ना, वही लाइन आप दोबारा जाके अपने कमरे में गाओ लगता ही नहीं सुर अभी ये जिस स्केल पे आ रहे थे, नहीं लगता, इम्पॉसिबल, इट्स सुसाइड, आप गा ही नहीं सकते। ये बड़ा बांध के रखते हैं म्यूजिक डायरेक्टर इनको कि राहत साहब नहीं 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 प्लीज इतना ही गाओ, नहीं तो आप इनको छोड़ के देख लो खुला आप। इनको खुद नहीं पता होता पिछली बार ये गाना कैसे गाया था, हर बार नए तरीके से इंप्रोवाइज करके। मुझे लगता है कि ये अगर अपने तरीके से गाना गाना शुरू कर देना तो हीरो लोग परफॉर्म ना कर पाए। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, आपका एक गाना ओरे पिया चाहे तो आप गाओ, तो ये फिल्म में सीधा सीधा गाया है, अगर ये इंप्रोवाइज करें तो फिर हीरो का क्या हो, चोट लग जाए। पाजी हैट्स ऑफ, थैंक यू पाजी, बस। परी जब हम लोगों का कुछ अच्छा म्यूजिक सुनने का मन होता है, हम आप जैसे कलाकारों के गाने सुनते हैं, आपका जब मन होता है तो आप किसका गाना सुनते हैं? जैसे मैंने बोला कि उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब को हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, तो उनके उस्ताद मेहंदी हसन खान साहब के, गुलाम अली खान साहब के, तो किशोरदा का, किशोरदा मोहम्मद रफ़ी साहब, ये सब लेजेंड हैं। इनको सुन के हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली हैं कि माइक के आगे लफ्ज़ तलफ़्ज़, लता जी ख़ास तौर पर, लता जी उन्होंने सिखाया कि माइक पे मोहब्बत कैसे कहना है। वाह क्या बात है, बहुत अच्छा, ब्यूटीफुल। राहत पाजी की किशोरदा का गाना हो जाए आपके स्टाइल में थोड़ा इंप्रोवाइज करके, अरे ना किशोरदा को मैं भी बड़ा प्यार करता हूं, क्यों उनकी रूह को। नहीं, 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 नहीं। बहुत अच्छा लगेगा, थोड़ा सा कुछ हो जाए। मैं ये जरूर कहूंगा कि किशोरदा हमारे उस्ताद हैं और उस्तादों की गाई हुई जो गजल है वो बड़े कानों को 40 दफ़ा हाथ लगा के गाने ही चाहिए, या कोई गीत उनका गाया हुआ, तो मेरी ये बिसात नहीं है, मैं चाहे जितने भी कोशिश कर लूँगा तो कुछ और जैसा नहीं हो सकता, ये मैं कह रहा हूँ, मगर मेरे सुनने के बाद आप भी यही कहेंगे। नहीं, हम बिल्कुल नहीं कहेंगे। मार ही डालोगे, आसमान अपनी छत, बिछोना ये जमीन हो जाए, आओ कुछ ऐसे मिल जाए के दो से तीन हो जाए। हो जाओ दो से तीन, उठ जाओ जी, तुसे भी कुछ बोलो। मोहतरमा कौन है आप, भूल गए क्या, हम बेगम हैं, बेगम लुच्ची। हम आए थे ना दिल्ली आपसे मिलने के लिए शो में, तो आप यहाँ तक पहुंच गए दिल्ली से। अरे लोग तो मोहब्बत में जेल तक जाते हैं, हम तो सिर्फ यहाँ तक आए हैं। मैं अब कहाँ जाऊंगा। बैठिए ना, टाइट क्लोज में क्या लगते हैं आप खान साहब। खान साहब को टाइट क्लोज में ना देख, बच्चा है। कहाँ थे आप खान साहब, बताइए ना कहाँ थे आप, जमाने के बाद आए। आपके इंतजार में हम दिया जलाकर बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बड़ी मेहरबानी जनाब, बहुत शुक्रिया। आपका मुंह देखकर लग रहा है आपका दिया बुझ चुका काफी साल पहले। खामोश, हम सिर्फ ऊपर से बुझे हैं, ये मोहब्बत के दो फूंक मार दे हम फिर से जल उठेंगे। मारिए ना। और देखो क्या, आप मोहब्बत के चक्कर में पड़ी बेगम साहब, भगवान ने इतने बड़े बड़े हाथ दिए, जाके नान बनाइए, गरीबों में बांटिए, आपको पुण्य लगेगा, जाइए। गरीबों को नान बांटने का काम हमारे नवाब साहब करते हैं। आप मेरे को पता कौन सा गरीबों का काम करते हैं, पाजी वो पिज्जा डिलीवर करते हैं साइकिल पे, और 30 मिनट में पहुंचाने के चक्कर में दो बार मरते मरते बचे इनके नवाब साहब। दरअसल क्या है ना, हमारे नवाब साहब हैं ना, उनकी बहुत बड़ी रियासत है। बहुत बड़ी रियासत, भाई तीन लोग बैठ जाए ना रियासत खत्म हो जाती है। साइकिल का रियासत बोलते हैं आप, शर्म नहीं आती? उस दिन ये अपनी रियासत पे जा रहे थे, नाले में गिरते गिरते बचे ये। खामोश करो, गुस्ताख कहीं के। मेरा नाम गुस्ताख नहीं, मेरा नाम कपिल है। राहुल वाला कुत, ये कहाँ पड़ता है? हम आपको गाली दे रहे हैं गुस्ताख, और खबरदार आयशा भाई कुछ भी कहा तो सरोटे से हम आपको काट देंगे। किससे? सरोटे से। सरोटे के भरोटे मत रहो आप। भरोटा नहीं, भरोसा होता है। तो फ्लो फ्लो में निकल गया तो फिर क्या हो गया? अपने फ्लो को कायम करने रखो, समझे? बड़े आए हो सरोटा परोटा करोटा। खान साहब, हम आपके घर गए थे। कौन से कहाँ? अच्छा। हमारे उसने के चक्कर में घर का पता भी भूल गए। हम आपके घर गए थे। क्या कुत्ता पाल रखा है इन्होंने, सच में? आप किसको कुत्ता कह रहे हैं? कुत्ते को। अच्छा, ओके। 3 दिन पैदल चल के हम आपके घर तक पहुंचे थे। कुत्ते की वजह से? नहीं, कुत्ते की वजह से 2 घंटे में घर वापस आ गए। सुभान
अरे भाई वाह 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 आया वर आया वर और कहाँ साहब अरे बेटा हटिए कहाँ ऊपर से मिलो ऊपर से मिलो हाँ साहब अरे सर कैसे मुरीद है हम आप सर 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 मुरीद है हम आपके वाह हम तो खुदा से अरवास करेंगे कि भाई हम भी किसी दिन आपकी तरह सुर लगा सकें सुर की बात तो रहने दीजिए नवाब साहब इस उम्र पे पान पे कत्ता लगाया नहीं जाता आपसे पड़े सुर लगाने के लिए खैर इन्हें छोड़िए हम आपसे दरख्वास्त करेंगे किसी दिन खान साहब आप हमारी हवेली पे तशरीफ लाएं आपकी छोटी सी हवेली खान साहब बुला रहे हैं उसमें आपकी तशरीफ नहीं पूरी आती उनको तशरीफ दे आपको पता है ये हवेली में घुस जाते हैं इनकी तशरीफ बाहर भीगती रहती पानी में क्या क्या बोल रहे हैं आप हम आपको सिर्फ बता रहे हैं कि भाई हमें चाची की का बड़ा शौक है चाची की नहीं मौसी की बोलते हैं लेकिन हमारी मौसी है ही नहीं तो हम मौसी की क्यों हमारी एक चाची है जो बखूबी बड़ा अच्छा गाती है तो हमें चाची की का ही शौक होगा ना खैर हम आपको बताएं कि भाई एक जो है एक हुनर है हमारे अंदर जो हम आपके सामने पेश करना चाहेंगे सिर्फ हुनर नहीं इनके अंदर प्रॉपर एक बैल है एक कमाल का हुनर है अगर आप अपना आपका वो जो गाना है वो दिल तो बच्चा है जी वो अगर आप हमारे लिए गुनगुना दें तो हम अपना हुनर आपको दिखा सकते हैं दिल तो बच्चा है ये गाएंगे तो आप क्या बच्चा पैदा करके दिखाएं ये दिल बच्चा नहीं है कैसा लगा आपको बखुदा क्या आपने तो जो किया आपको तो जेल होनी चाहिए सच में खान साहब के सामने आपने हमें जलील कर दिया जनाब कपूर शर्मा जी आप इन्हें सजा देंगे या मैं खुद इन्हें घर ले जाकर सुझाऊं कितना सुझाएंगे और आप हम चलते हैं जी चलते ठीक है आइए छूना मत मुरीद है हम आपके भाई बहुत बहुत शुक्रिया भाई मौका मिला हमें बस शुक्रिया शुक्रिया चलते पाजी इतना अच्छा गाना शुरू किया था बीच में हु हु आ कर रहा है पाजी वो एक बार सबकी फरमाइश क्या बात है कुछ बोलने का दिल ही नहीं कर रहा पाजी ऐसे ऐसे लग रहा आपको सारी रात हम सुनते रहे पाजी मगर जो आम जनता है जो जो मैसेज है वो मेरे भाई कपिल शर्मा को सुनना सर ये तो चलो बहाना है लेकिन आज सबसे पूछ के दे लो किसी का दिल नहीं है मेरी बात सुनने का अरे ऐसे थोड़ी बात है पाजी आपके ढेर सारे फैंस हैं यहाँ पे जो आपसे गाने भी सुनना चाहते हैं आपसे बातें भी करना चाहते हैं आप लोगों में से जो भी राहत जी से बात करना चाहता है तो जी ए क्या ए पाजी साढ़े पीछे मोहल्ले में रहती हैं ये भाभी क्या बात करनी है आपको अरे तुम्हारे भैया थे नहीं घर पे हम आवाज सुने आ गए इधर तो आप आवाज सुन के कहीं भी चली जाती हैं नहीं तुम्हारा आवाज सुन के कभी आए क्या कभी नहीं आए तो राहत फतेह अली खान साहब का आवाज सुने आवाज से हम पहचान गए माशाल्लाह बहुत शुक्रिया जी आपकी तशरीफ नहीं नहीं शुक्रिया तो आपका है हमारा थोड़ा ही शुक्रिया है तो आपका भी तो कुछ ना कुछ होगा ही फिर बहुत कुछ है हमारा क्या है आपके पास क्यों बताएं तुम डीसी लगे हो तो तुमको बताएं हम रिपोर्ट लिखवाएं तुमको बताती क्या है क्यों बताएं हम ये बता देते हैं कि जैसे सिद्धू साहब हैं जी इनको सब शहरी कहते हैं क्या कहते हैं शहरी कहते हैं ना शहरी हाँ ठीक कह रही है आप कपिल हैं आपको कप्पू कहते हैं हाँ राहत फतेह अली खान साहब हैं इनको सब टिप्पू कहते हैं और हम रिंकू देवी हैं हमको कैट कहते हैं बिल्ली वाला नहीं हाँ मोहल्ले में हमारे आजू बाजू के लोग सब कटरीना कहते हैं माशाल्लाह 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 हमारा तो बहुत ख्वाहिश था कि हमारे हस्बैंड भी आवाज अच्छा हो गाना गाते हो उसका तो मुंह ही नहीं अच्छा था आवाज कैसे अच्छी मुंह तो नहीं है अच्छा हम मानते हैं लेकिन जब शादी हुआ तो रिश्ता का बात चल रहा था ना जब हमारा तो कहे कि उनका बहुत अच्छा आवाज है गाँव में सबसे ऊंचा सुरूनी का है तो हम शादी करा लिए बाद में पता चला कबाड़ी का काम है ऊंचा सुर है पर हम आपके लिए आए हैं राहत फतेह अली खान साहब हम आपका दुख दर्द समझते हैं इसलिए आए हैं इधर आके बात कर लो ना ओ बस मौका ढूंढ रहे थे अब मिला है सांप लगा
सारा मोहल्ला छेड़ता है उनको। हमने कहा ना उनको कटरीना कहते हैं। तो उसने देखा डीजे ने तो बजा दिया। बजा चलो बजा। छेड़ रहा है। हम आपके लिए पहले ठंडा लाने वाले थे, फिर सोचे सिंगर हैं गला खराब हो जाएगा। हम आपका दर्द समझते हैं। माइक के पीछे आप गाना गाते रहे, अब सब हीरो हीरोइन उसके ऊपर रोमांस करते रहे। फीलिंग आप भरे गाने में, रोमांस करे कोई और हीरो, ऐसे थोड़ा ही होता है। आज हम वो मौका नहीं छोड़ेंगे। आप आज हंसिए। हंसिए नहीं, अभी रोमांस करेंगे और आप गाना नहीं गाएंगे। कटरीना तो है ही आपके साथ, बस नहीं। अरे अरे यार ये क्या कर रहे हैं? आप आज हमारी राहत सामग्री हैं, बस ये समझ लीजिए। हाँ, अभी आप हीरो हैं, हम आपकी हीरोइन हैं। कुछ और लगा दो यार। इससे पहले ये भजन बता दे लगाने को। कोई कमाल नहीं लगा दो सर। हमारे गेस्ट को परेशान किया दो। पाजी जड़ी ऊपर छाल मारी है ना तुसी, छाल मार के ऊपर वो गीता है, वो तो कमाल जी है। चलो ठीक है। चल रिंकू भाभी नमस्ते। I love you. हमारी एक कलाकार दोस्त है सुगंधा मिश्रा, ये बहुत अच्छा गाती हैं। आज इनको पता चला कि आप आए तो खास तौर पे आपसे मिलने आई हैं। माशाल्लाह, सत श्री अकाल सर, मैं बहुत बड़ी फैन हूँ आपकी, जैसा कि बताया है कपिल भैया ने। तो सर मेरी भी एक विश है एज अ फैन कि आपके साथ एक डुएट अगर मैं गा पाऊँ तो माई ड्रीम विल कम ट्रू। जरूर, सौभाग्य की बात। सर ये बहुत बढ़िया गाती है। जी जी, मैंने सुना इनको, आई थिंक सलमान खान साहब के साथ भी आपका एक शो था, मैंने वहाँ भी सुना आपको, तो बहुत अच्छी गायिका है। अब आई नीड अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर। थैंक यू, थैंक यू। मैंने देखा है मेरे कॉलेज में जो जो पढ़ा है ना, हाँ, सारे टैलेंटेड हैं। हम और ये एक ही कॉलेज में थे। अच्छा। हाँ, मैंने सिखाया इसको। चलो भाई। वैसे ही गाना जैसे मैंने सिखाया था। ठीक है। वाह सर, बंदा गुम हो जाता है, आदमी गुम हो जाता है सर। सुर, सुरबाजी चीज ही ऐसी, कोई विचार ही नहीं आता यार। एक बार सुगंधा के लिए भी जोरदार ताली हो जाए। सुगंधा, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। शाबाश पुत्र, छा गई आज तू। पाजी आज हमारे बीच में ना दो बड़े खास लोग आए हैं, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ह्यूमैनिटी के लिए, लेकिन बहुत सारे लोगों को इनकी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानकारी नहीं। पाजी पूरी दुनिया में कहीं कुछ दुर्घटना हो जाती है, कोई नेचुरल डिजास्टर हो जाता है, तो ये एनजीओ बहुत सारे लोगों के लिए काम करती है। खालसा एड है, हमारे दो दोस्त यहाँ पे हैं। पाजी इनके लिए पहले तो जोरदार तालियां हो जाए। मैं चाहता हूँ कि आप सबसे पहले तो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताइए और फिर बताइए कि आप क्या क्या काम कर रहे हैं। सबसे पहले सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। खालसा एड हमारी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है जी। खालसा मींस, ये खालस से बना है एंड इट मींस प्योर जी। और हमारा टैगलाइन है जो वो है रिकॉग्नाइज द होल ह्यूमन रेस एज वन। इसका मतलब होता है कि सारी मनुक्ता, सारे लोग हमारे लिए एक हैं, जो हमारे गुरुओं ने हमें सिखाया। सरबत दा पला। सरबत दा पला। सरबत दा पला। सभी को मालूम है जैसे नेपाल में भूकंप आया, वहाँ पे 1200 घर बनाए, जे एंड के में फ्लड्स आए, और इवन जो गवर्नमेंट के काम है डेड बॉडीज निकालना, मतलब जो काम एनडीआरएफ का है वो काम हमारे वॉलंटियर्स ग्राउंड जीरो पे जाके कर रहे हैं। ऐसे मतलब अभी भी कॉन्टिन्यूसली ग्रीस के बॉर्डर पे जो रेफ्यूजीज बैठे हैं उनके लिए खाना, एक महीने का 15 लाख का खाना वहाँ पे भेजा जाता है। और ये इसीलिए कर रहे हैं कि सभी को पता चले कि हमारे गुरुओं ने हमें सिखाया शरबत का भला। मैं सिर्फ यही इस प्लेटफॉर्म के को यूज़ करते हुए ये आपको अपील करना चाहूँगा कि जो इंसानियत सभी धर्मों में सभी को सिखाई गई है, हम सिर्फ मन में ना रखें वो इंसानियत, हम प्रैक्टिकली प्रूव करके दिखाएं कि हम सभी एक हैं। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी हमें सपोर्ट करेंगे, और इतने ही शब्दों के साथ समाप्त करता हूं। वाह क्या बात। पाजी सत श्री अकाल। मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, आप
गुरु के सच्चे सिख हैं आप. बिल्कुल. और जो हमारे गुरु ने सिखाया है आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं बाजी दुनिया में. किसी के पास फुर्सत नहीं है सिवाय अपने बारे में सोचने के. और ऐसे माहौल में आप दुनिया के लिए इतना अच्छा काम कर रहे हैं. बाजी आप मंच पे आए. अच्छा पाजी आपसे बातें तो काफ़ी सारी होती रहेंगी पर मेरी पर्सनल एक आपसे शेयर करना था. नो प्रॉब्लम. मेरी ना पड़ोसन है एक, वो आपकी बड़ी फ़ैन है. थोड़ा सा अगर आप कहीं छुप के ना मेरे लिए गा देना तो उसको लगे कि मैं गा रहा हूँ. प्यार करते हैं? प्यार करता हूँ बहुत ज़्यादा बाजी मैं. अरे प्यार के लिए तो कुछ भी हो सकता. पक्का पाजी? यस. दो मिनट आपको इम्प्रेस करना खाली. करूँ क्या? छुप के आपने माइक पकड़ के इधर छुप के गाना गाना है. अच्छा ठीक है. बताना नहीं आपको, बाहर नहीं आना. ठीक है? अच्छा मैं पाजी. That was so good. बस तुम्हारे प्यार में सिंगर हो गया हूँ. लॉटरी या Give me a hug. Oh, okay. You like it? Very nice, very nice. Thank you. Wow. आप तीनों इतना अच्छा गाते हैं. मेरा बहुत ज़्यादा अच्छा था. अरे एक मिनट. आप तीनों कितना अच्छा गाते हैं. थैंक यू. अरे एक चीज और बता दीजिए कि आप तीनों की आवाज एकदम सेम टू सेम कैसे है. वो हम एक्चुअली सेम ही सिंगर के गाने गा रहे हैं ना. एक ही सिंगर के गाने गाए तो फिर इसलिए आवाज सेम है. आज मेरा गला भी बिल्कुल खराब नहीं है तो मेरे गाने बहुत अच्छे निकल रहे हैं. आपके गले का तो मुझे पता नहीं लेकिन आपकी नीयत काफी खराब है. ये सिर्फ तुम अपनी बहन को समझाओ कि गला और नीयत सिर्फ चंदू की साफ है. गला तेरा साफ है और जान नहा के देख तेरे गले पे जितनी मैल है ना अपने आप को गालियां देगा तू. वेरी गुड यार. आई लव यू. आई लव यू. बट एक बात है, गजल जो है ये अनपढ़ लोगों का काम नहीं है. इनका काम है जो गजल को गजल कह रहे. गजल नहीं होती, गजल नहीं होती है गजल. हाँ तो वही तो कह रहा हूँ. गजल 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 वही तो है गजल. तो एक मिनट लॉटरी, ये तीनों मिलके ना तुझे धोखा दे रहे हैं. क्या वो तुझे शर्म नहीं आती तुम दोनों को? इतनी खूबसूरत लड़की को धोखा दे रहे हो. अब जो हम दे सकते हैं वही देंगे. अब क्या इनके नाम पर चाय की दुकान कर दें हम? मैंने दिल से गाया तुम्हारे लिए. मैंने बहुत अच्छा गाया. नहीं नहीं आप बताओ कौन सा धोखा. कौन सा धोखा? मैं बताती हूँ, एक मिनट रुक जाओ, अभी बताती हूँ. ये रहा धोखा. ये हम पकड़े गए हैं तो फिर हम निकल जाएं यहाँ से. एक बार राहत फतेह अली खान के लिए जोरदार तालियां. जी मुझे एक बार गाना सुनना है सर. यहाँ हमारा माहौल में आया. आई वॉन्ट टू हियर. माहौल में आया सर? माहौल में. माहौल तो तुमने बनाया लॉटरी. सर तो मोहल्ले में आए. हाँ पाजी एक सेल्फी आप सबके साथ मुझे लेनी है. क्या? और पाजी आप इतने सालों से हमें एंटरटेन कर रहे हैं तो आज हमारे शो में आकर आपको अच्छा ही लगा होगा. बहुत अच्छा लगा. जब से आप लोगों का कपिल जी आपका शो, सिद्धू बाजी आपको देखते आ रहे हैं, आप लोगों को सबको देखते आ रहे हैं, खासतौर पे आपको, आपको तो बहुत दिली ख्वाहिश थी कि एक दिन जाके आप सब लोगों से मुलाकात होगी. मतलब आग दोनों तरफ से लगी हुई थी. हमारा हमारा कब से दिल था कि राहत भाई हमारे शो में आए. पाजी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला. आज वाकई में आपने चार चांद लगा दिए. थैंक यू सो मच. शुक्रिया पाजी. सर मैं आज आपको एक बात कहने वाला हूँ, ज्यादा नहीं है. ये मेरी जिंदगी की सबसे बेहतरीन शाम थी. क्या बात है. एग्री. मजाक नहीं था. एग्री. पर एक बात तो है, राहत भाई से जितने गाने सुने जितना समय इनके साथ बिताएं उतना ही कम है. पर वक्त जो है उसकी भी अपनी एक इम्पोर्टेंस है तो हमें आप सबसे इजाजत लेनी पड़ेगी. आप सब लोग ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए द कपिल शर्मा शो. फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल. क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़.